दोस्तों 80 के दशक में एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां हुई जिनके शानदार अभिनय के साथ उनके जबरदस्त लुक ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। 80 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली ये अभिनेत्रियां आज बॉलीवुड से दूर एक साधारण सी जिंदगी बिता रही है और इस लिस्ट में 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रीना रॉय का नाम भी शामिल है। रीना रॉय ने अपने फिल्मी सफर में कई शानदार फिल्मों में काम किया, इसलिए आज भी उनके चाहने वालों की संख्या कम नहीं है। आज भी उनके फैंस ये जानना चाहते हैं कि अब रीना रॉय कैसी दिखती है और अब कहाँ रहती है। अगर आप भी रीना रॉय की आज की हालत जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और रीना रॉय के शानदार अभिनय के लिए एक लाइक तो बनता ही है ना। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को हुआ। वो एक हिंदी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जिन्होंने 1972 से 1985 तक कई फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई और उस जमाने की एक प्रमुख अभिनेत्री रही। वो अपने समय की सबसे अधिक कमाई वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए शर्मिला टैगोर के साथ 1998 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी भूमिकाओं में एक नए ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व का योगदान था जिसमें वो अपनी महिला उन्मुख भूमिकाओं के लिए जानी जाती थी। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए भी फिल्मफेयर अवार्ड जीता जो उन्हें फिल्म अपन 1977 में उनके प्रदर्शन के लिए दिया गया और उन्हें नागिन 1976 में और आशा 1980 के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। अपने फिल्मी करियर के दौरान रीना रॉय अपना दिल शत्रुघ्न सिन्हा को दे बैठी। समय के साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा लेकिन अचानक शत्रुघ्न सिन्हा ने किसी और से शादी करके सबको चौंका दिया। आज भी लोग ये जानने के लिए बेचैन है कि आखिर क्यों शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय के बजाय किसी और से शादी कर ली। आज जब भी सोनाक्षी सिन्हा की बात की जाती है तो रीना रॉय का नाम सबकी जुबान पर आ जाता है क्योंकि इन दोनों का चेहरा काफी मिलता जुलता है। कई लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि सोनाक्षी सिन्हा रीना रॉय की बेटी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अचानक किसी और से शादी कर ली, फिर इस गम से उभरने के लिए रीना रॉय ने अपनी फिल्मी करियर को छोड़कर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली लेकिन ये शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई तो रीना रॉय अपनी बेटी को लेकर मुंबई वापस लौट आई जिनका नाम सनम है। आज रीना रॉय मुंबई में एक साधारण सी जिंदगी बिता रही है। अब उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है जिसकी वजह से उन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल हो गया है। दोस्तों क्या आपको ये लगता है कि सोनाक्षी सिन्हा रीना रॉय की ही कॉपी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसे ही बॉलीवुड खबरों को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें।